आप सभी को मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, हमारे दाएं तरफ बैठे आदरणीय गोपाल जी योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, हमारे बाएं तरफ बैठे आदरणीय अजय कुमार जी योग प्रचारक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, और इस पूरे कार्यक्रम को कैमरे में कैद कर रहे योग प्रचारक भाई पिंटू जी हम सबके बीच में पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ खड़े हैं। तो आइए कपाल भाती के मेथड को समझाते हुए हम इस कार्यक्रम को पूर्णता की तरफ ले चलेंगे। सीधे बैठ जाते हैं एक आसन में, ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं। अब नासिका से झटके से वेगात्मक रूप में फोर्सली हवा को बाहर फेंकते हैं। जब हवा को बाहर फेंकेंगे तो हमारा पेट, ये जो पेट का जो रीजन इलाका है वो अपने आप स्वयं अंदर जाता है। जैसे दिखा लेंगे एक बार ऐसे, ये भी नहीं, ये तो अनुलोम विलोम है ना, ये कपाल भाती करा रहे हैं। हाथ नीचे कर लीजिए। जब सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे तो पूरा पेट अंदर जाएगा और हवा बाहर निकले। करिए, करते भी रहेंगे। नाक से झटके से हवा को बाहर फेंकना है। पेट के ऊपर स्ट्रोक लग रहा है, ये अंदर जाएगा बाहर आएगा। बाहर की तरफ छोड़िए, कुछ खींच रहे हैं उल्टा, ऐसे नहीं करना, बाहर छोड़ना। अब जब कपाल भाती करेंगे, करते रहिए, लाभ इसका बताते जाते हैं। ये हमारे सेल्स को, कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है, जागृत करता है। जैसे आप कोई पौधे को देखें, धूप लग जाता है तो वो मुरझा जाता है, लगता है सूखने लगता है। जैसे उसके जड़ में पानी डालते हैं वाटर, तो वो दो तीन मिनट में ही पुनः वो लहला करके ना खड़ा हो जाते हैं पूरा ताजगी के साथ। वैसे ही हमारा जीवन जीते जीते अलग अलग अभ्यासों को करते करते ये मुरझा सा जाता है, हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ घर कर लेती हैं और हम जीवन से निराश हो जाते, लगता है ऐसे कभी कभी जीवन बेकार हो गया है, जी के क्या करेंगे, ये धरती, ये पूरा घर परिवार सब बेगाना लगने लगता है। कारण कि हमारे चारों तरफ एक निगेटिविटी यानी निगेटिव